क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में 3 साल बाद शवगृह का काम शुरू होने के बाद विवादों में घिरता नजर आ रहा है, जिसको लेकर करनी सेना ने अपना विरोध जताया है और अस्पताल परिसर में ट्रामा सेंटर के साथ बन रहे शवगृह को लेकर करनी सेना ने प्रदर्शन किया तथा अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन को लेकर खूब नारेबाजी की। करनी सेना के प्रदेश महामंत्री शशि शर्मा ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि अस्पताल में शवगृह बन रहा है जो कि ट्रामा सेंटर के सामने बन रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ट्रामा सेंटर में दिन रात गंभीर रूप से घायल तथा बीमार मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं, साथ ही बच्चों व अन्य वार्ड भी इसके साथ ही हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों को वहां से गुजरते समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 1 सप्ताह के भीतर शवगृह का काम बंद किया जाए और इसे यहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो करनी सेना 1 हफ्ते के बाद आंदोलन करेगी और जिला प्रशासन के अलावा अस्पताल परिसर के बाहर धरने पर बैठ जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन की होगी। सर, हम पिछले 1 हफ्ते से सोशल मीडिया और बाकी समाचार पत्रों के माध्यम से इशू को लेकर के पढ़ रहे थे। हमने सोचा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि अपना वोट बैंक को उसमें रखते हुए और समाज में अपने जनाधार को रखते हुए पॉलिटिकल पार्टियों का प्रथम कर्तव्य बनता है कि वो कुछ इस ऐसे इश्यूज को लेकर के, क्योंकि जनता के इशू होते हैं, उनको लेकर के उठाएं। लेकिन वो केवल अखबारों तक सीमित रह गए, प्रेस तक सीमित रह गए। तो हमने कल निर्णय लिया कि हम जिला के जो मुखिया लोग हैं वो आज यहाँ 1 घंटे का सांकेतिक धरना देंगे और प्रशासन और यहाँ के जो भ्रष्टाचारी CMO उनको एक अल्टीमेटम देने आए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक काम बंद होना चाहिए, या तो इसको नीचे शिफ्ट करिए या इसको उठा करके पीछे शिफ्ट करिए। लेकिन यहाँ करनी सेना किसी भी हालत में इसको बनने नहीं देंगी। और ये मैं चेतावनी देने आया हूँ कि करनी सेना का इतिहास अभी हिमाचल प्रदेश के प्रशासन और सरकार को शायद करनी सेना की कीमत, शायद उसकी जो ताकत है उसका पता नहीं है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना से जाकर के पूछ लेना कि करनी सेना की ताकत क्या है। जिस दिन आपने 1 हफ्ते के बाद जब हम अपने रूप में आएंगे तो सब कुछ यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, उखाड़ करके इसको बाहर फेंका जाएगा। किसी भी हालत में हमें जेल में ले जाओ, हमें जो सजा देनी है दो, लेकिन ये किसी भी हालत में यहाँ नहीं रहेगा, किसी भी हालत में यहाँ सबगृह नहीं बनेगा। ये हमारी भी कसम है, ये हमारी भी सौगंध है।